सेकेंड डे है फुकेट में. अभी हम लोग जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड के टूर के लिए. कल हम लोग का जो होस्ट है उन्होंने 1500 rupees पर पर्सन पे किया, ये बुकिंग किया है. तो ये जो आपको बड़ा बस जैसा दिख रहा है, अराउंड 8 से 10 लोग के, काफी कम्फर्टेबल था. और वहाँ से होटल से सबको पिकअप करके अभी हम लोग यहाँ पे आए. कॉफी और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे. ये फोन रखने के लिए लिया है 200 बात के लिए. मतलब इंडियन रुपीज में 450 ना, 450 रुपए. हाँ, प्लास्टिक का कवर जो कि इंडिया में आने के मन में यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे. सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, पर वो लोग जो लाइफ जैकेट दे रहे हैं ना, वो कभी भी कोई भी हालत में डालने के निकालने का नहीं, क्योंकि अपने को तो स्विमिंग आता नहीं है. दूसरा चीज, अगर इनकेस गलती से भी तो पानी में गिरी, मुँह से सांस लेने का, नाक से नहीं लेने का. और अगर गिरी इनकेस तो तू फ्लोट तो करेगी, और पैर थोड़े थोड़े हिलाने के, और हाथ ऐसे 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 करने के. तो आज का आइटनरी ऐसा है कि हम लोग टोटल 4 आइलैंड्स कवर करने वाले हैं. यहाँ पे भी उन्होंने टी और कॉफ़ी और थोड़े से बिस्किट्स और वहाँ पे रख दिए है, जो हम लोग के कॉस्ट में ही आते हैं. ओवरऑल बहुत अच्छे से और क्लीन रखा है. देखो डर वर लगता है कि नहीं, तो एक तो स्विमिंग आता है नहीं तेरे को. थैंक यू शाय, राइट? थैंक यू शाय. अभी हम लोग लावा आइलैंड पे है. फर्स्ट आइलैंड है ये आज के आइटिनरी का. हाँ. यहाँ पे बेसिकली लोग स्विमिंग करने वाले हैं, और हम लोग सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज करने वाले हैं. सबसे पहले मतलब झूले पे बैठेंगे, उसके बाद में नारियल पानी पियेंगे अगर बजट में रहेगा तो, और उसके बाद में हो सके तो चेयर पे बैठ लेंगे. तो ये 3 एडवेंचरस चीज हम लोग आज करेंगे. एक हाथ से पकड़ा था. एकदम मस्त है आइलैंड. यहाँ पे स्विंग्स है, फिर ऐसे पिक्चर्स निकालने के लिए बहुत सारे प्रॉप्स वगैरह भी रखे हुए हैं. मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं कब से चिल ही कर रही हूँ. तो आइटिनरी में लावा आइलैंड लास्ट होता है, हाई टाइड का टाइम है, तो ये टाइम पे स्विमिंग करना ज़्यादा बेटर है. बट यूजुअली जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो प्रेफर करते हैं आफ्टरनून में स्विम करने के लिए, इसलिए ये लास्ट रखते हैं वो लोग. हम लोग कब से ये चेयर पे बैठे हुए थे, रिक्लाइनर चेयर पे. हम लोग को लगा कि यूजुअली फ्री होता है ना, लड़कियाँ, उन्होंने बोला कि 50 baht पर चेयर, तो आप ध्यान रखना इधर मत बैठना, स्विंग पे बैठ जाना, नीचे बैठ जाना टॉवल डाल के. इस पे 100 baht डालना वर्थ नहीं है. इंडिया, मुंबई. लावा आइलैंड से अभी रिटर्न आ चुके हैं वापस हम लोग बोट पे हमारे. नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं पनाक आइलैंड. बैठ के जा रहे, कैसा लग रहा है? मस्त. इतना धूप नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है. कल के वेदर से ऐसा लग नहीं रहा था कि आज बारिश रुकेगा, बट लकीली आज बारिश रुक गया है और वेदर बहुत अच्छा है. यहाँ पे जो है ये लगून है, और अभी हाई टाइड की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते. पानी अभी 4 से 5 meters डीप है, और जब लो टाइड होता है तो वो 1 meter डीप होता है, तब हम लोग अंदर भी जा सकते हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे बहुत डार्क है, और वही रीज़न से बैट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. पनाक आइलैंड में टोटल 5 केव्स है, उसमें का एक जो है ये बैट केव. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बैट केव्स थे वहाँ पे. मेक श्योर करो कि आप बैट केव नहीं मिस करते. अभी जब बोट खड़ा था ना, तब थोड़े डॉल्फिन्स भी दिखे हम लोगों को, बट नहीं देखे. हाँ, सैडली कैप्चर नहीं कर पाए हम लोग. बाकी
बाय द वे हम लोग अभी खाना खाने बैठ रहे हैं बोट में, अभी खाना लगा है उन्होंने, लंच का टाइम हो चुका है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। डिसेंट है मतलब सॉल्टी और स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यू के साथ एक्चुअली बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, ये व्यू के साथ खाने में मज़ा आ रहा है। जो वेज है ना उनको प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने सिर्फ राइस खाया मतलब प्लेन राइस। प्राइवेट बोट है वो, जिसका बजट ज़्यादा रहेगा वो ऐसा प्राइवेट बोट हायर कर सकता है। अभी हम फुकेट के सबसे फेमस आइलैंड पे है, जेम्स बॉन्ड आइलैंड। बहुत ज़्यादा रश है और लाइट भी उसके एग्जैक्टली अगेंस्ट है, इतना आजा फोटोज आ भी नहीं रहा है। अभी एक और आइलैंड बाकी है, सुबह आएंगे तो लाइट बहुत अच्छा। तो अगर आप आ रहे हो तो ध्यान रखें सुबह आइए जेम्स बॉन्ड आइलैंड फर्स्ट। सबसे पहले इसका ओरिजिनल नाम जो है वो खाओ टापू आइलैंड है और वो ओरिजिनल मेनलैंड का पार्ट था। ये रॉक सिर्फ उसमें से अभी बचा हुआ है मेन आइलैंड में से। आज के दिन का लास्ट आइलैंड हम लोग जा रहे हैं, हॉन्ग आइलैंड जा रहे हैं, वो भी केव्स ही है। अनचार्टेड वाला फीलिंग आ रहा है ना, अनचार्टेड गेम खेलते हैं। दैट्स लाइक एलिफेंट शेप राइट। ऐसा लगता है कि एकदम शांत और अनडिस्कवर्ड एरिया है ना, लोग बहुत ज्यादा होके भी शांति है, शांति तो है, बहुत सही है। आइलैंड में शायद मेरे को एकदम अनचार्टेड वाला फील, अनचार्टेड 5। वाओ राइम कर दिया आपने। तो गाइज अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए, जो छोटा मोटर बोट दिख रहा है आपको हम लोग उससे आए क्योंकि पानी शालू हो गया तो बड़ा बोट आ नहीं सकता है। शाम के 5 बज चुके हैं, हम लोग सुबह 8 बजे गए थे राइट। आप लोगों को ये चारों आइलैंड में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा वो भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और अभी ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।